हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना फेसबुक अकाउंट किस तरह से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो एंड होने के बाद आप हमारे चैनल का लिंक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है ना कि आपको अपना फेसबुक अकाउंट पर चले जाना है। तो इस पर देखिए मैं क्लिक करती हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिख पा रहे हैं ऊपर में थ्री लाइन है, तो यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ना नीचे लेकर आएंगे। तो जैसे ही हम इसे नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर एक आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे में, देख सकते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी नहीं ओनली सेटिंग। तो इस पर ओनली सेटिंग पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ओनली सेटिंग पर क्लिक करेंगे ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए अकाउंट है। उसके बाद अकाउंट के नीचे आप पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे नीचे देख सकते हैं तो बहुत सारा ऑप्शंस आ जाता है, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अपना अकाउंट डिलीट करना है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका चैनल का नाम, कॉन्टैक्ट इन्फो वगैरह सब कुछ आ जाएगा, आइडेंटिटी कॉन्फर्मेशन एंड अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो जो चौथा ऑप्शन है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मैनेज योर डाटा, मॉडिफाई योर लेगेसी कॉन्टैक्ट, डीएक्टिवेट और डिलीट योर अकाउंट एंड मोर। ठीक है, तो हमको सिंपली क्या करना है, इस पर चौथे नंबर पे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पे क्लिक कर देना है। जैसे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन खुल कर आ जाएगा, मेमोरलाइजेशन सेटिंग एंड डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक किए, आपके सामने फिर दो एक ऑप्शन खुल कर आ जाएगा, डीएक्टिवेट अकाउंट एंड डिलीट अकाउंट। तो हमें डीएक्टिवेट नहीं करना है, हमें इसे परमानेंटली डिलीट करना है। तो इस पर क्या करेंगे ना, सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीक्शन, तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे बिफोर यू डिलीट यू मे बी एबल टू हेल्प। ठीक है, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, कुछ भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको पसंद आएगा तो यहाँ पे हम कर देंगे क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीक्शन यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हो कंटिन्यू टू डिलीक्शन। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू टू डिलीक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू टू डिलीक्शन पे क्लिक करेंगे, आप सब स्क्रॉल करके ना देखिए ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा परमानेंटली डिलीट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको खुल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे नीचे आपको जाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों डिलीट अकाउंट है, तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जिस मेल आईडी से अपने फेसबुक अकाउंट ओपन किया था उसका पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना पासवर्ड दे देते हैं, एक बार देख देखते हैं। ठीक है, जैसे हम पासवर्ड दे दिए, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किए, कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीक्शन आ गया है, तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे सेशन एक्सपायर्ड हो गया, प्लीज़ लॉग इन अगेन, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए मैंने फेसबुक अकाउंट मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए लॉग इन आ रहा है एंड क्रिएट न्यू अकाउंट ऑप्शन आपके सामने खुल कर आ रहा है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आया। इस तरह से आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी पसंद आया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल का लिंक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।